भैंस जायज है या ना जायज, मेरे को कुरान हदीस से साबित कर दो। देखो आप देखो, ये भाई बोले सबके सामने है ना, इनको दावत दे रही है। एक सिंपल सवाल कर रहा हूँ, भैंस हलाल है या हराम? इस्लाम का सवाल तो मैंने पहले ही मना कर दिया था कि सवाल पे सवाल करते रहोगे तो सवाल, यानी तुम लोग सवाल करेंगे हम लोग जवाब देंगे, तुमसे पूछा जाएगा कोई जवाब नहीं देंगे। हमारी बात ये हुई कि देखो हम लोग समझने बैठे ना, हम समझने बैठे हैं। आप सवाल हो मैं बुला लूंगा, आ जाना। हाँ हमको सवाल हम आ जाएंगे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने बुलाया, समझा है भी, लेकिन आप लोग समझने के बावजूद ऐसा कर रहे हैं। अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि भैंस हलाल है या हराम, इसलिए मैं कहता हूँ। अब तुम मुझे मसला बता दो। एक मिनट भाई, भाई भाई एक मिनट, भैंस वाला मसला मेरे से बात करो ना। कुरान हदीस दावा ही है ना, सिंपल सा सवाल कर रहा हूँ, भैंस हलाल है या हराम मेरे को बता दो कुरान। तो आप नहीं दे सकते, आप भी तो कुरान हदीस पर अमल करते हो। नहीं आता तुमको, तुमको नहीं आता जवाब से भागने का? अच्छा ठीक है, अच्छा सुनो सुनो, तुमको नहीं आता तुम मुझे वहाँ की दावत देते हो। कभी तुमने ये बेइज्जत जवाब पर सवाल उठाए? कभी तुम्हारे दिमाग में सवाल नहीं आया कि भैंस हलाल है या हराम? हम मौलाना अपने मौलाना से पूछे, हमको मालूम है ना। हाँ तो बोलो ना, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, बताओ। पहले बोला सवाल का जवाब, अभी दूसरा सवाल पूछो। नहीं 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 पूछूंगा, नहीं पूछूंगा भाई। ये सबसे अली मकाम है देवबंद वाले।